वाले जीशान अंसारी सपा से है हमारे साथ। जीशान, क्या लगता है आपको, ये ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने पहली बार किया है, आपकी सरकारों ने भी किया है और आपके दो दो मुख्यमंत्रियों ने किया है, आपकी पार्टी के संस्थापक ने भी किया है और आपकी पार्टी के जो इस समय नए युवा तुर्क हैं जो उनके उत्तराधिकारी अखिलेश यादव ने भी किया है, तो जो योगी ने गलती की है उस गलती को मैं इसलिए गलती कह सकता हूँ यहाँ से क्योंकि संसद के पटल पर भारत सरकार के मंत्री ने उसको गलती माना है, असंवैधानिक माना है, तो ये गलती तो आप भी कर चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये परंपरा है जो सत्ता में आएगा पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में लाने के नाम पे लॉलीपॉप दिखाएगा, उनका कुछ नहीं होगा और कुल मिला के ये परंपरा चलती रहेगी, जब आप आएंगे तो आप भी यही करेंगे। जीशान, नहीं देखिए, हम जब आएंगे तो हम ये नहीं करेंगे और योगी जी को तो बहुत सारा मौका था कि वो सीख सकते थे कि जो पिछली बार से जो मुख्यमंत्री लोग गलती किए, अखिलेश यादव ने भी अगर किया तो उस पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया, तो योगी जी को तो पहले से ही समझदारी होनी चाहिए थी कि हमें ये नहीं करना है। लेकिन वो उपचुनाव जो होने वाले हैं उसमें तत्काल फायदे के लिए आपने ऐसा काम कर दिया जिससे आपको बैक स्टेप लेना पड़ा, आपके केंद्रीय मंत्री ही आपको गलत ठहरा दिए। आप पहले तो अपने घर में समझ लीजिए ना कि क्या सही है क्या गलत है। और सबसे बड़ी चीज ये है इसमें कि आपने जो 17 जातियों को जो अनुसूचित जाति में डाला, 27% ओबीसी जब वो थे तब उनको आरक्षण मिल रहा था, उसके बाद अब 15% आरक्षण वालों के साथ उनको भी इंक्लूड कर दिया गया। पहले ही उनका सामाजिक उत्थान नहीं हो पाया है, पूर्ववर्ती सरकारें इसके लिए जिम्मेदार रही हैं, चाहे कोई भी हुआ। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि योगी जी को पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर उसके बाद कोई चीज को आगे ले जाना चाहिए। आप बिना कोई चीज भी सोचे समझे आप कुछ भी करते हैं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। आप वर्ग संघर्ष को बढ़ावा दे रहे, आप अगर उनका हक जो छीन रहे, जो पहले से एससी थे आप उनका हक छीन रहे हैं, 17 लोगों को और दे रहे हैं। आपने कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं तैयार की, आपको पहले तो आप सर्वे रिपोर्ट बनवानी चाहिए थी, आप सर्वे कराते कि किनका सामाजिक उत्थान हो चुका है किनका नहीं उत्थान हो चुका है, उस हिसाब से आप उनको एससी में डालते या एसटी में डालते या ओबीसी में रखते, लेकिन आपने किया कुछ नहीं, आपने सीधे उठाया जो मन में आया वो कर दिया और यही चीजें लगातार पिछले 2 साल से हो रही हैं। चलिए ठीक है, 2 साल से नहीं हो रही, मैंने जीशान जी पहले भी आपको याद दिलाया पिछले कई सालों से हो रही, उत्तर प्रदेश में तो ये होता ही रहा है। खैर, प्रस्पा से हमारे साथ मोहम्मद शाहिद साहब। नहीं, मैं इस घटना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और भी सारी चीजें हो रही जो अपने मन से सारी चीजें लागू कर दी जा रही है, मैं उस पर कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, लेकिन अपने मन से अच्छी बात है कि देश में संविधान का राज चलता है, चाहे किसी का भी राज सत्ता पे हो लेकिन संविधान सर्वोपरि होता है।